बच्चे तो साफ क्यों होते हैं? इसको शुरू से शौक था इसको, मगर हम लोग ने इनको रोका वोका नहीं कभी पढ़ाई लड़ाई से कि पढ़े ना या जाए ना कहीं, ये सब हम लोग ये यहीं यहाँ जब से पढ़ने लगी, जब से इनको ज़्यादा मैम ने इनको सिखाया काया बताया, उससे पढ़ना इनको और आ गया। आप लोग गीता के श्लोक बोलने में गाने में इसकी मदद करती पढ़ने में? हम लोग कभी रोकते नहीं अपने पढ़ती, हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, मगर हमने अपनी बेटियों को सोचते हैं कि लोग पढ़ जाएं, हम लोग का कुछ नाम हो। नहीं, पहले मैंने सुना सबके मुंह से, उसी के बाद सबको सुन के मेरा इंटरेस्ट बढ़ा कि ये श्लोक मैं भी पढ़ूं, उसका प्रयास करूं अपने जीवन में। और बाकी जो अपने मैंने मुख्यमंत्री योगी जी के मुंह से सुना श्लोक का अध्ययन करते हुए, अपने मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से सुना, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी ये प्रयास करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ऐसा कहते हैं जो सामाजिक बुराइयां हैं कि मुस्लिम बच्ची है तो उसको संस्कृत नहीं पढ़नी चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, गीता नहीं पढ़नी चाहिए, हिंदू बच्ची है तो उर्दू नहीं पढ़नी चाहिए, मजारों पे नहीं जाना चाहिए, इसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से तो ये गलत है, क्योंकि अल्लाह पाक ने तो हमको इंसान बना के भेजा था, भेदभाव तो इंसानों ने किए हैं कि वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है। तो मेरा मानना यही है, जो जिसको धर्म में इंटरेस्ट है उसको बढ़ने दिया जाए, उसको किसी भी तरह से रोका ना जाए।